जिले के खनियाधाना तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अमरपुर देवरा में मजरा कमलपुरा से है, जहां पर लोगों का कहना है कि हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम गुलामों की तरह ही अपने घरों में कैद हैं। क्योंकि ग्रामीण जनों का कहना है कि हमारे घर तक सड़कों के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, और बरसात के समय में तो हम बिल्कुल भी घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और यहाँ तक कि बरसात के समय में स्कूली बच्चों को भी अपने घरों में ही दिन बिताने पड़ते हैं। किसी की डिलीवरी हो या गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना हो, पैदल ही जाना पड़ता है। और ग्रामीणों द्वारा पंचायत के सरपंच सचिव पर भी आरोप लगाए गए हैं। सरपंच सचिव को कई बार शिकायत करने के बाद भी अभी तक हमारा रास्ता नहीं बनवाया गया है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि हमने कई बार आला अधिकारियों को सूचना दी है, लेकिन अभी तक हमारे हालात जस के तस बने हुए हैं। अगर दिसंबर के महीने में रास्ते से निकलना इतना मुश्किल हो रहा है, तो बरसात के मौसम में ग्रामीण जनों को निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्राम के दीपक लोधी द्वारा बताया गया कि हम ग्रामीण लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब उनके द्वारा कहा गया है कि जब मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पैदल जाऊँगा और तब तक मेरी सुनवाई नहीं होगी, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। दीपक लोधी ने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर पैदल चल दिए और सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने भोपाल पहुंचे और कहा कि मैं जब तक सड़क पक्की नहीं बनेगी तब तक गांव नहीं लौटूंगा। खनियाधाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटी आपका? इसकेंद्र। इसकेंद्र नाम है। पिताजी का क्या नाम है? दया सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? कमलपुरा। कौन सी पंचायत लगती है आपकी? अमरपुर देवरा। आप जैसे ये निकलने के लिए रास्ता है, इस रास्ते का कोई बंदोबस्त नहीं करवाया सरपंच सचिव ने? किसी ने नहीं नहीं करवाया। तो अभी जैसे आज कितनी तारीख है? 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर है तो दिसंबर के महीने में यह हाल है, तो बरसात में आप कैसे निकलते हो यहाँ से स्कूल जाने के लिए? घर बैठे रहते हो, स्कूल नहीं जा पाते? जिस किसी ने आपसे, सरपंच या सचिव ने किसी ने आपसे कहा कि हम वो सड़क बनवा देंगे, या किसी से आपने गुहार लगाई हो? नहीं नहीं। अच्छा, चुनाव के टाइम पर आते हैं सिर्फ? आपका क्या नाम है दीपक भाई? हमारा दीपक लोधी हाँ नाम है। हम ग्राम अमरपुर देवरा से के रहने वाले हैं हाँ, और हमारे ग्राम के लिए कोई भी सड़क नहीं है। अच्छा, यही मात्र एक सड़क है। ये कौन सा पुरवा लगता है तुम्हारी पंचायत का? ये हमारी पंचायत का कमलपुरा पुरवा है, मजरा है। अच्छा, और यही मात्र रास्ता है। अच्छा, इसमें इतनी दिक्कत है। तो बरसात में यहाँ आपने कोई सरपंच सचिव कोई व्यवस्था नहीं करवाता इस रास्ते की? नहीं करवाई अभी तक तो नहीं। हम अभी 70 साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और कोई दूसरा रास्ता है यहाँ से आपको निकलने के लिए? उस साइड है तो उस साइड एक नदी पड़ती है, तो वो तो एक एकदम मतलब आपके जैसे स्कूल के बच्चे हैं हाँ। तो स्कूल के बच्चे बरसात में क्या करते हैं, कैसे निकलते हैं? गरीब घर पे ही निकल, घरों में कैद रहते हैं हाँ। चलो, और आपने सरपंच या कोई जनपद सीओ या किसी और कोई अधिकारीगण नेता से आपने कहा इसकी गुहार लगाई? आपने कहा है, बोलते हैं कि कर देंगे, लेकिन कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, ये हमारी भाभी माँ है। तिरंगे को नीचे मत रखो, तिरंगे को नीचे मत रखो, नीचे मत रखो। ये हमारी भाभी जी हैं। अच्छा, हम इनका मतलब तो इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं आप? डिलीवरी करवाना है। डिलीवरी के लिए हाँ, कोई साधन नहीं है? नहीं, कोई साधन नहीं है, कीचड़ में से निकलना है। अच्छा हाँ, तो ये जो आपके जो पीछे भैया लोग खड़े हैं, और ये सभी आपके यहीं के ग्रामवासी हैं? हाँ, हमारे ग्रामवासी। अच्छा, हैं। तो इनसे जरा पूछना चाहते हैं, क्यों भैया आपको बरसात में या अभी कोई रास्ता दूसरा है निकलने के लिए आने जाने के लिए? रास्ता यही है, बरसात में सो अभी यही एकमात्र रास्ता है। तो इसका सदर हाल ऐसे ही रहता है? ऐसा ही रहता है, बरसात में सो अभी। आपने सरपंच या सचिव से कुछ कहा इसके बारे में? कहा है सर, कह देंगे डरवा देंगे, डरवा देंगे। अच्छा, तो दीपक जी मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या सोचा है इस रास्ते के बारे में? इस रास्ते के बारे में सोचा है कि हम अगर शिवराज सिंह जी को पता नहीं है, तो हम उनको खबर करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं भोपाल तक। तो आप पैदल जाने की सोच रहे हैं? हाँ। सीएम साहब के पास आप पैदल जाएंगे? हाँ, जाएंगे। तो आपने ठान लिया है? ठान लिया है, जब तक नहीं लौटेंगे, जब तक हमारा काम नहीं होगा, हमारे लिए रास्ता नहीं डरेगी। अच्छा, तब तक आप वापस नहीं आएंगे? नहीं, तब तक इस रास्ते का दुरुस्तीकरण या कोई नया रास्ता नहीं बनेगा? हाँ, जब तक वापस नहीं आएंगे। चलो, अच्छी बात है, ठीक है भाई।